हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंस्पायर्ड फैकल्टी फेलोशिप स्कीम के बारे में और जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी और स्टाइपेंड और इससे आप जो है कैसे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं अभी तक तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल को YouTube पे देखना चाहते हैं तो आपको YouTube पे सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल का। तो यहाँ पे मैं जॉब से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट वैकेंसी जो हो, चाहे आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड वैकेंसी हो, चाहे वो साइंटिस्ट पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसी हो, तो ऑलमोस्ट जितनी भी साइंस से रिलेटेड वैकेंसी है वो सारी मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSIR JRF ICMR DBT JRF गेट की प्रिपरेशन, या आप जो है किसी भी BSc MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो अपना बायोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जो है मेरे कंटेंट को यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट कंटेंट के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और कर सकते हैं, और आप साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी कोई भी बायोलॉजी कंटेंट और जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप स्कीम है, ये जनरली क्या होता है, जब आप अपना PhD जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं और आपको यहाँ पे मौका दिया जाता है एज एन यंग रिसर्चर इन द एज ग्रुप ऑफ 27-32, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने अपना जो PhD है वो 27 ईयर्स से पहले कर लिया, या हम बोल सकते हैं कि अगर आपने 28 ईयर्स में भी PhD कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे इन्होंने एज लिमिट मेंशन कर रखी है 27 to 32 ईयर्स, यानी आपका मिनिमम एज 27 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 32 होना चाहिए, तभी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका PhD जो है वो मैंडेटरी है, PhD कंप्लीट होने के बाद ही जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अपर एज लिमिट जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2021 तक जो है आपको 32 ईयर्स होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एंड 37 ईयर्स फॉर SC ST या वुमेन कैंडिडेट। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो मैक्सिमम एज जो है 32 ईयर्स है, वहीं अगर आप जो है SC ST या वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर का जो है एक्सटेंशन दिया जाएगा, 5 ईयर का जो है आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट बढ़ के वो 37 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप PWD है, यानी कि आप पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका यहाँ पे अपर एज लिमिट इट विल बी 42 ईयर्स। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आपने PhD जो है वो कंप्लीट कर लिया है और आप बिटवीन 27 to 32 ईयर्स ग्रुप में आप आते हैं, तो आप यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर रखी है, तो इस वेबसाइट पर जाके जो है आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करिए और अपना प्रिंट आउट जो उसे अपने पास रखिए रिकॉर्ड्स के लिए। और यहाँ पे देखिए, लास्ट डेट जो मैंसन कर रखा है 4 अक्टूबर 2021 मैंसन कर रखा है। तो यहाँ पे डेट गाइडलाइन और द कंपोनेंट्स आर अवेलेबल एट द वेबसाइट। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, तो आपका जो वेबसाइट है वो डाउनलोड हो जाएगा या वेबसाइट ओपन हो जाएगा, तो आपको कुछ इस तरह से DST का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंस्पायर फेलोशिप। तो देखिए, यहाँ से आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा न्यू यूजर्स के लिए, उसके बाद जो है आप इस फॉर्म के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ पे देख लेते हैं इंस्पायर प्रोग्राम में जाके। तो यहाँ पे इंस्पायर प्रोग्राम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा इंस्पायर का जो है स्कीम देखने को मिलेगा। तो इंस्पायर स्कीम जो है वो डिफरेंशिएटेड या डिवाइडेड है सेट प्रोग्राम्स में, सी प्रोग्राम में, AORG प्रोग्राम में। सीट्स प्रोग्राम जो है वो जो है आपका जो है इंस्पायर अवार्ड्स या इंस्पायर इंटर्नशिप, और सी प्रोग्राम जो है वो इंक्लूड है इंस्पायर स्कॉलरशिप, और AORC प्रोग्राम जो है वो आपका इंस्पायर फेलोशिप और इंस्पायर फैकल्टी अवार्ड के लिए जो है यहाँ पे आपको दिखाता है, ठीक है। देखिए, स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट एंड सीट्स, तो इट एम्स टू अट्रैक्ट टैलेंटेड यंग यूथ टू स्टडी साइंस बाय प्रोवाइडिंग इंस्पायर अवार्ड ऑफ 5,000 to 1,000,000। तो यहाँ पे अलग अलग में दे रखा है, तो अगर आप जो है क्लास 6 से 12 स्टैंडर्ड में आप अगर इंस्पायर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट यानी सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप जो है आप 17 to 22 ईयर्स के हैं के बीच हैं और आप जो है BSc कर रहे हैं या आप MSc कर रहे हैं, तब आप जो स्कॉलरशिप और हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जो है आप PhD कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इंस्पायर फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं 22 to 27 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे 1,000 फेलोशिप एवरी ईयर जो है वो दी जाती है। तो अगर आप PhD भी इन्वॉल्व है और आपकी एज लिमिट 22 to 27 ईयर्स है, तब आप DST इंस्पायर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर कैरिंग आउट योर डॉक्टर डिग्री इन बोथ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज। अब देखिए, हम बात करते हैं इंस्पायर फैकल्टी स्कीम में। तो यहाँ पे देखिए,
इट ऑफर्स एवरी ईयर फॉर 1000 पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर इन द एज ग्रुप ऑफ 27 to 32। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी स्ट्रीम्स है या जितनी भी डिसिप्लिन है, चाहे वो आपका लाइफ साइंसेस हो यानी कि आपका बायोलॉजिकल साइंसेस हो, केमिकल साइंसेस हो, फिजिकल साइंसेस हो, तो सबको मिला के यहाँ पे 2000 जो पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है इन द एज ग्रुप ऑफ 27 to 32 ईयर्स। और ये जो फेलोशिप रहेगी वो आपकी रहेगी 5 ईयर्स पे। तो अगर आप बेसिक में कर रहे हैं या अप्लाइड साइंस में अगर आप जो है लाइक पोस्ट डॉक कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जो है अगर आपका यहाँ पे इंस्पायर फैकल्टी स्कीम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है इसके लिए जो है अपना होस्ट इंस्टीट्यूट जो भी है आपका, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे फेलोशिप, चाहे वो आपका जो है यूनिवर्सिटी हो। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली वो है कि जहाँ से आपने PhD किया है आप उस जगह दोबारा जो है अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको जो है दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरा इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा एज अ होस्ट इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको इनरोल होना पड़ेगा इंस्पायर फैकल्टी स्कीम के लिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे देखो फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारा डिटेल अच्छे से पता चल जाएगा, चाहे वो इंस्पायर इंटर्नशिप का हो, चाहे स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, इंस्पायर फेलोशिप स्कीम, इंस्पायर फैकल्टी स्कीम, इंस्पायर फेलोशिप लिगेसी यूजर्स। तो हम बात करें इंस्पायर फैकल्टी स्कीम की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा यहाँ पे डिटेल में दे रखा है। तो हम यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखिए हु कैन अप्लाई फॉर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप स्कीम, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप स्कीम। तो यहाँ पे देखा आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मस्ट है। तो आपका PhD साइंस में हो, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट में आपका PhD हो तो आप एलिजिबल हैं। और देखिए अगर आपने PhD थीसिस जो सबमिट कर दिया और अपना अवार्ड लेटर के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आप जो है अपना यहाँ पे जो है फेलो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है आपका सपोर्ट PhD थीसिस आपने सबमिट कर दिया और आप अपना डिग्री का अवार्ड का वेट कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो है सिलेक्शन को तभी माना जाएगा जब आप अपना जो PhD डिग्री जो है उसका सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, यानी आपको PhD डिग्री अवार्ड हो गई, तभी आप जो है आगे इस फेलोशिप में जो है इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। टेन्योर यहाँ पे 5 ईयर्स का रहेगा और इसके बाद आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम होता है ये वंस ईयर ना ईयर आता है और नॉर्मली जुलाई या अगस्त के मंथ में जो है आप जो है DST के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज नंबर ऑफ इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप अवार्ड पर ईयर, तो यहाँ पे 100 मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो मे बी इसका नंबर जो वेरी कर सकता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, लेकिन मिनिमम 100 तो ये आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हाउ शुड आई अप्लाई फॉर इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके जो है इस ओपन करके आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आपका डिस्कस कर लिया, जेंडर कैटेगरी की 32 ईयर्स, वही अगर आप SC ST वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 37 ईयर्स। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे अमाउंट आपको कितना मिलेगा, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम में तो आपको यहाँ पे 1,25,000 जो है पर मंथ आपको यहाँ पे फेलोशिप रहेगा, और आपको जो यहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा वो 2,000 रुपीज़ का रहेगा हर ईयर, और आपको यहाँ पे 35 लाख का जो है आपको ग्रांट दिया जाएगा। तो यानी कि आपको एक साल में 7 लाख पर ईयर एज अ कंटीजेंसी ग्रांट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे कंटीजेंसी ग्रांट अगर आप खर्च नहीं कर पाते हैं, स्पेंड नहीं कर पाते हैं 7 लाख रुपीज़ एक साल में, तो इसका जो है आपका जो है लाइक आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा वो फर्दर ईयर में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो ये आप भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। तो देखिए आई एम ऑलरेडी हैविंग अ परमानेंट पोजीशन, माई एलिजिबल टू अप्लाई, तो देखिए अगर आपका जॉब जो है वो ऑलरेडी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे NOC में भी देना पड़ेगा कि आप जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर NOC आपका जो है एक्सेप्ट हो जाएगा तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वॉट हैपन्स माई फेलोशिप अमाउंट इफ आई गॉट अ परमानेंट पोजिशन ड्यूरिंग फेलोशिप टेन्योर, तो वैन अ फेलो फाइंड अ परमानेंट पोजिशन ड्यूरिंग द फेलोशिप टेन्योर 5 ईयर, द फेलोशिप अमाउंट शैल बी डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको परफेक्ट परमानेंट पोजिशन आपको मिल जाती है तो आपका जो फेलोशिप अमाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आप जो अपना कंटीजेंसी है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी लैब्स को एस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सारा जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सारा यहाँ पे आपका दे रखा है, तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर रखी है। तो देखिए मेथड क्या है आपका यहाँ पे, रोल एंड रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट, एक चीज़ ये देख लीजिए कि आपने जहाँ से PhD किया है आप उसे एज अ होस्ट इंस्टीट्यूट चूज़ नहीं कर सकते, तो आप को कोई नया यूनिवर्सिटी या नया इंस्टीट्यूट देखना पड़ेगा जहाँ आपको एक होस्ट लाइक फैकल्टी आपको चाहिए होगा, ताकि आप जो है अपना जो इंस्पायर फेलोशिप प्रोग्राम वो आप जो है स्टार्ट कर सके। तो ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जहाँ से आपने PhD किया है वहाँ आप जो है इस फेलोशिप को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, आपको दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज देखना पड़ेगा जहाँ पे आप जो है एज अ लाइक अपना फेलोशिप जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है,
और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे और देखिए, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो फेलोशिप वो टैक्स उस पर नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे देखिए इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप प्रोग्राम में जो है आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको यहाँ पे जो है टैक्स का पैसा जो है वो भरना पड़ेगा, ठीक है। और हम देख लेते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए बाकी तो बात का प्रोसेस है कि अगर आपको सेलेक्शन हो जाता तो आपको रिपोर्ट जो है वन वन प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, ये सब बात की बात है। पहले आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे जो मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।